जैसे कि हमने देखा कि ये लैपटॉप रीस्टार्ट फॉल्ट में आ रहा है। जब इसमें रैम नहीं रहता है तो ये कॉन्स्टेंटली ऑन होता है, और जब रैम रहता है तो ये ऑन ऑफ होता है। अभी फिलहाल मैं बिना इसमें एक रैम लगा दे रहा हूँ। ये रैम ये डेल का बोर्ड पार्ट नंबर 10272 का है, DB15 सीरीज। इसको मैं अब ऑन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ देखेंगे ये ऑन हो गया। और अभी डीसी सप्लाई को देखिए, ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन होके ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है। यहाँ भी दिखा रहा है दोनों कंप्लीट। ये फैन देख रहे हैं, घूम रहा है, बंद हो रहा है, फिर घूमेगा, नहीं सिस्टम बंद ही हो गया अभी, मतलब एक दो बार ऑन होके ऑफ हो रहा है, ये घूम रहा है, बंद हो गया, फिर घूम रहा है, फिर बंद हो गया, मतलब ऑन होके ऑफ हो जाना, ये प्रॉब्लम में ये आया है। अब मैं इसका रैम बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम देखते हैं कि बोर्ड में क्या चेंजेज आया, ठीक है ना। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया तो अभी देख रहे हैं कि 1276, मतलब बोर्ड ने रीडिंग ले लिया है ना। यहाँ भी देख सकते हैं कि बोर्ड ने रीडिंग पूरा ले लिया है। और डीसी सप्लाई भी देखिए, ये लैपटॉप अभी ऑन स्थिति में है, अभी ये बंद नहीं हो रहा है। तो अब ये देखना है कि ये बोर्ड एक तो ग्राफिक्स बोर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या ये ग्राफिक्स का फॉल्ट है, या चूंकि ये रैम एक्सेस नहीं कर रहा है, रैम को ले नहीं पा रहा है, तो देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इसको मैं चेक करूंगा। फिलहाल सबसे पहला काम तो मैं इसकी बायोस को करूंगा, क्योंकि ग्राफिक्स को हिट नहीं करना है पहले। नॉर्मली ग्राफिक्स लैपटॉप देखते ही हमें लगता है कि ये ग्राफिक्स का ही फॉल्ट होता हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि रीडिंग इसकी अच्छी जा रही है, तो सबसे पहले मैं इसका बायोस को प्रोग्राम करूंगा और फिर चेक करूंगा कि ये मेरा फॉल्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं बायोस में लगा देता हूँ और इसको प्रोग्राम करूंगा। इसको निकाल दिया मैंने, बायस प्रोग्रामर को लगाता हूँ। इसको रीड कर लेता हूं। दस 272 की फाइल है। अभी इसको 10
272 ओल्ड टर्म। तो नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ओल्ड टर्म में और यहाँ से एक नया बायोस चार एमबी की फाइल, इसमें दो फाइल है, चार एमबी की फाइल को यहाँ डेस्कटॉप में रख लिया है और इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ डेस्कटॉप। यहाँ से डेल ये फाइल, तो ये फाइल हमारी है, ये वाली फाइल चार एमबी, इसको ओपन कर रहा हूँ। द साइज ऑफ ओपन फाइल डज नॉट मैच द चिप कैपेसिटी, ऐसा क्यों? ये फाइल तो वही है, तो अभी हमने फाइल को इसमें राइट कर दिए हैं, ठीक है। फाइल को हम इसमें डाल के दे देते हैं। दादा, तो अभी हमने बायस को प्रोग्राम कर दिया है, ठीक है, इसको बायस को प्रोग्राम किया है। अब इस बायस को प्रोग्राम करने के बाद क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं, ठीक है। बायस को प्रोग्राम कर दिया, देखते हैं कि इसमें हमारा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। डिस्प्ले आने के बाद हटना चाहिए, ये नहीं हटा है, तो कीबोर्ड देखें। तो यहाँ पर एक चीज और हो गया, बायस करने के बाद डिस्प्ले तो आ गया, यहाँ पर कीबोर्ड में भी लाइट नहीं जल रहा है, स्क्रीन हैंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और चालू करके देखता हूँ, एक बार और ऑन करके देखता हूँ कि ये क्यों है हैंग।
में आ गया, आ गया कीबोर्ड में आ गया। एक बार के लिए लाइट देना, लेकिन हैंग हो रहा है तो लैपटॉप अभी हैंगिंग स्थिति है, इसमें और कोई इशू है तो देखा हमने। बायस जानने के बाद डिस्प्ले तो आया, लेकिन अभी भी फिलहाल हैंगिंग है। तो इससे ये अनुमान कर सकते हैं कि इसकी ग्राफिक्स चिप भी वीक हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली नॉर्मली इसको ओपन करेंगे, कर दिया तो यहाँ पर इसकी ग्राफिक्स की चिप, इसकी ग्राफिक्स चिप में कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये हैंग कर रहा है। ग्राफिक्स होने वाला है तो इसको नॉन ग्राफिक्स भी कर देंगे, फिलहाल कंफर्म होने के लिए थोड़ा सा इसको हिट करके देख रहे हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। इसको मैंने रिवॉल्व रिहॉट कर दिया है और इसका नॉन ग्राफिक्स देखना पड़ेगा 10272। तो अभी रिहॉट करने के बाद, ठीक है, ग्राफिक चिप को अब इसको मैं लगाने जा रहा हूँ, देखते हैं कि अगर काम कर गया तो हमें फिर इसकी कन्वर्जन की प्रोसेस में जाना होगा, क्योंकि इतना हिट करके ये लास्टिंग नहीं करेगा। फिलहाल हम इसको चेक करने जा रहे हैं, अब जो मेरा स्क्रीन आगे बढ़ा या फिर वहीं पर अटक गया है, ठीक है। तो अभी ऑन करने जा रहा हूँ, ऑन कर दिया है, देखेंगे स्क्रीन चलेगा, फिर भी